सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वीवो के Z1 प्रो के ऊपर, उसमें जो अपडेट आया था दोस्तों उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि इस अपडेट के बाद दोस्तों कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ़ोन में, और दोस्तों इस अपडेट के बाद हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वीवो Z1 प्रो है और अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो क्या आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और दोस्तों अगर आप इस अपडेट को अपने फ़ोन अपडेट करोगे तो आपको आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं और क्या दोस्तों इसमें नए फीचर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको समझ में आ सके कि अगर आपको ये अपडेट करना है तो ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। दोस्तों मेरे पास वीवो का Z1 प्रो है जिसे मैंने इस अपडेट में अपडेट कर लिया था जो दोस्तों 3 GB से ऊपर का अपडेट था। दोस्तों इस अपडेट के बाद मुझे क्या परेशानी देखने को मिली इस फ़ोन में और क्या दोस्तों नए फीचर मिले वो सब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये अपडेट करने के बाद जिसका जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों वो आपको चेंज हो जाएगा। आपके फ़ोन दोस्तों फंड होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, दोस्तों काफ़ी कूल लगेंगे देखने में। दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन आता है वो भी दोस्तों काफ़ी कूल लगेगा। दोस्तों कई ऐसे फंक्शन हैं दोस्तों जो आपको नए नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों डबल अपडेट है 3 GB का तो नए फंक्शन देखने को मिलेंगे ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में क्या परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने इस अपडेट को करने के बाद अपने फ़ोन को कई दिन यूज़ किया तब मुझे सारी परेशानी देखने को मिली। दोस्तों पहले प्रॉब्लम की बात करें तो वो आती बैटरी को लेकर। अगर आप अपने फ़ोन में अपडेट करते हो तो आपकी बैटरी जो अपडेट से पहले चलती थी उतनी बैटरी आपकी अब नहीं चलेगी। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हो तो आपकी बैटरी पहले के मुताबिक काफ़ी कम चलने वाली है। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो आपका फ़ोन पहले थोड़ा हैंग होने लगेगा, आपका फ़ोन थोड़ा रुक रुक के चलेगा, इतना नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन आप इस फोन यूज़ करते हो तो आपको खुद ही परेशानी देखने को मिल जाएगी कि आपका फ़ोन पहले जो इतना स्मूथ चलता था उतना स्मूथ नहीं चलेगा। दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो दोस्तों गेमिंग को लेके। अगर आप ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हो तो आपका फ़ोन थोड़ा हीट होने लगेगा अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो। दोस्तों ये 2-3 वो है प्रॉब्लम जो आपके फ़ोन में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हो तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये 2-3 प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी दोस्तों आपके फ़ोन में कोई परेशानी नहीं है, आपके फ़ोन में काफ़ी सारे फंक्शन मिलने वाले हैं इस अपडेट के बाद। दोस्तों ये अपडेट 3 GB का है, अगर आपने कर लिया है तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिलेंगी, जितने लोगों ने भी अपडेट किया है उन सबको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दोस्तों कई लोगों का मेरे पास सवाल आया था कि इस अपडेट को करने के बाद उनके फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड का जो फंक्शन होता है उसमें दोस्तों मेमोरी कार्ड शो होता है और इंटरनल शो होती है तो उनको ये फंक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि उनके फ़ोन में कोई बक्सा गया है इस अपडेट के बाद तो उनका जो इंटरनल मेमोरी और फ़ोन मेमोरी का जो स्टोर होती है वो शो नहीं हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो कोई बक्सा नहीं है, जैसे ही आप अपने फाइल मेनू को ओपन करोगे दोस्तों उसमें ऑप्शन आता है एक ही, यानी दोस्तों अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो उसकी जो स्टोरेज होती है दोस्तों मेमोरी कार्ड के फ़ोन में होगी वो एक ही बॉक्स में टोटल हो गया आती है। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे ऑप्शन आता है फाइल का, जैसे दोस्तों आप उस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका मेमोरी कार्ड और आपका इंटरनल मेमोरी दोनों दोस्तों सोने लगेंगे पहले की तरह। दोस्तों ये एक नया फीचर है, जो कोई बक्स नहीं है तो आप इससे टेंशन बिल्कुल ना लें। ये एक नया फीचर है जिसमें दोस्तों आपको टोटल मेमोरी दिखा दी जाती है कि आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड की मेमोरी और फेकी मेमोरी मिलाकर टोटल इसमें कितना बाकी है। दोस्तों आपको अगर मेमोरी कार्ड सोनी हो रहा है तो आपको उस लाइन पर क्लिक करना है, फाइल वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और आपके मेमोरी कार्ड की ऑप्शन और इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन दोनों शो होने लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम।